जय हिंद मित्रों, प्रगतिशील भारत की वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा YouTube चैनल अजीत अंजलि अपने क्षेत्र के प्रमुख खबरों, कार्यक्रमों और स्थानों की वीडियोस अपलोड करता है, मुख्य रूप से ट्रैवल एंड पीपल की। ट्रैवल में एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की और पीपल में बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे स्थानों की वीडियो अपलोड करता है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे की तरफ, जहां अब यूपी रोडवेज की बसों का संचालन शुरू होना है। दोस्तों, तो चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किन एक्सप्रेसवे पर यूपी की रोडवेज बसें अब फर्राटा भर सकेंगी और उनसे लोग अपनी यात्राएं संपादित कर सकेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा जानिए कि किन एक्सप्रेसवे पर अब यूपी की रोडवेज बसों का संचालन शुरू होने वाला है। दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीत अंजलि। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर से आत्मिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत अंजलि में। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से गाजीपुर तक बसें संचालित होंगी। दोस्तों, हाँ दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरेंगी यूपी रोडवेज की बसें और कुल उत्तर प्रदेश में 4 मार्गों को मिली है मंजूरी। चलिए आपको लेकर चलते हैं इस खबर की तरफ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से गाजीपुर तक 399 किलोमीटर की इस मार्ग पर बसें वाया अंबेडकर नगर व आजमगढ़ से होकर जाएंगी। अभी निगम की कुछ बसें आजमगढ़ से लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए आ और जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी परिवहन निगम की बसों के संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एवं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी बसों का संचालन हो सकेगा। दोस्तों, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने गुरुवार को 4 मार्गों की स्वीकृति प्रदान कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। चलिए देखते हैं यह रूट कौन कौन से हैं। अब लखनऊ से गाजीपुर तक सीधी बस चलेंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से गाजीपुर तक बसें संचालित होंगी। 399 किलोमीटर की इस मार्ग पर बसें वाया अंबेडकर नगर व आजमगढ़ होकर जाएंगी। अभी निगम की कुछ बसें आजमगढ़ से लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए आ रही थीं। अब लखनऊ से गाजीपुर तक इस एक्सप्रेसवे के जरिए सीधी बस मिल सकेगी। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए अब चित्रकूट से भरतना, इटावा वाया बांदा, राठ, जालौन व औरैया के 296 किलोमीटर के मार्ग को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए भी अब आम जन बसों से सफ़र कर सकेंगे। इन सभी मार्गों पर अब बसें चलाई जाएंगी। दोस्तों, प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए अमीन नगर मेरठ से इंदिरापुरम गाज़ियाबाद वाया डासना भोजपुर के 65 किलोमीटर के मार्ग पर भी बसों के संचालन को हरी झंडी दे दी है। इसी प्रकार नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के जरिए नोएडा सेक्टर 62 एक्सपो सेंटर से कासना ग्रेटर नोएडा वाया सेक्टर 37 के 38 किलोमीटर लंबे मार्ग को भी स्वीकृति मिल गई है। अब इन सभी मार्गों पर परिवहन निगम की बसें चल सकेंगी। दोस्तों, तो आपने इस वीडियो में अब तक जाना कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अब बसें चलेंगी और यूपी रोडवेज की बसें अब इन एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भर सकेंगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, और इस योजना से आप कैसे लाभान्वित होंगे यह भी बताने का प्रयास करिएगा।
और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करिएगा ताकि इस जानकारी का लाभ सभी को हो सके। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी वाली बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलेंगे फिर किसी अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।